एपिसोड नंबर 1 नदान की दोस्ती। एक कस्बे में एक बिल्ली और एक कुत्ते ने मिलकर एक दुकान खोली। इसमें ज़रूरियात ज़िंदगी की तमाम चीज़ें दस्तयाब थीं। बिल्ली ने कुत्ते को सौदा सलब खरीदने की ज़िम्मेदारी सौंपी खरीदो फरोख्त की ज़िम्मेदारी सौंपी और खुद दुकानदार दुकान का हिसाब किताब संभालने लग लिया। कस्बे के तमाम लोग इसकी दुकान पर आते और खूब खरीदार करते। दोनों की कोशिशों से कारोबार तरक्की करेगा। एक दिन बिल्ली दुकान के काउंटर पर पहुंची तो इसने देखा कि ग्राहक ने सौदे की जो रकम अदा की थी इसके मुताबिक में सौदा काफ़ी ज़्यादा दिखाई देता था। बिल्ली ने आगे बढ़कर वो पैकेट पकड़ लिया और तोला तो वो वाकई ज़्यादा वजन में था। बिल्ली ने ग्राहक को शर्मिंदा किया और कुत्ते को कहा कि वो आगे से ध्यान से सौदा तोला करे। कुत्ता बेहद नदाम हुआ और इसने वादा किया कि वो आइंदा पूरा पूरा ख्याल रखेगा। महसूस हुआ कि आगे कुत्ता अकल मान जानवर नहीं है। लोग ऐसे चिकनी चिकनी बातों में लगा कर फरेब दे जाते थे, लिहाजा इसे एक मुर्गे को अपनी दुकान पर मुलाजम रख लिया। मुर्गा काफ़ी होशियार और चलाक था। इसने पहली पहल तो बहुत दयानतदारी और दुकान के फ़राइज अंजाम दिए। जब इसने देखा कि बिल्ली का अतमाद इस बार बढ़ चुका है और जब वो दुकान की तरफ इतनी तवज्जो नहीं देती कि जितनी के इसे देनी चाहिए, वो मौका पाकर छोटी छोटी मोटी बेईमानी करने लगा। वो अक्सर ग्राहकों को महंगा दामों माल फरोख्त करता और काफ़ी पैसे अपनी जेब में डाल दिया करता। यह सिलसिला कई माह तक जारी रहा और दौरान इन कुत्ते की हैसियत दुकान में चौकीदार की हैसियत रह गई। वो सारा का सारा दिन दुकान के दरवाजे पर बैठकर वक्त गुजारता। चूँ चूँ वक्त गुजर गया, मुर्गे की मनमानी बढ़ती चली गई। वो अब अक्सर ग्राहकों से लड़ता और माल को ज़्यादा से ज़्यादा महंगे दामों में फरोख्त करने की कोशिश करता। बिल्ली चूँकि हिसाब किताब में माहिर थी, वो जब भी बहाने माल आमदनी का हिसाब किताब करती तो वहाँ इससे कोई फ़र्क दिखाई ना देता, लिहाजा इसका मुर्गे पर इतमाद मज़ीद मस्तकम हो गया। वो जब भी दुकान में चलती आती तो मुर्गा इसके सामने माल फरोख्त ना करता बल्कि इसके हाथ साथ बातों में वक्त ज़ाया करता जिसकी वजह से ग्राहकों को काफ़ी देर हो जाती। चूँकि कस्बे में एक ही दुकान थी, दूसरी कोई दुकान ना थी, इसलिए हर कोई मजबूरी के आलम में वहीं से महंगे दामों सौदा सल्फ खरीदने पर मजबूर था। मुर्गे ने सीना जोरी दिखाकर कुछ लोगों ने बिल्ली को इसकी शिकायत लगाई। बिल्ली को हिसाब किताब में कोई फ़र्क दिखाई ना देता था, इसलिए इसने लोगों की बातों की कोई परवाह ना की। इसने एक दिन मुर्गे से दरख्वास्त किया कि कस्बे वाले तुम लोगों की शिकायत क्यों करते हैं, तो इसने मुंह बनाकर कहा कि वो सब लोग मेरी मुलाजमत से खूब जलते हैं और बिलावजह मेरी बुराइयाँ करके मेरी मुलाजमत को ख़त्म करना चाहते हैं। मेरी ईमानदारी और दयानतदारी आपके सामने है। मैं किसी को माल चोरी नहीं करने देता और ना ही खुद माल चोरी करता हूँ। बिल्ली की इस बात सुनकर खामोश रह गई। इसने सोचा कि दुकान का मामला जिस खुशी सलूबी से मुर्गा चला रहा है, इस तरह तो वो खुद भी नहीं चला सकती। इसने लोगों की बातों पर तवज्जो देना छोड़ दी। लोगों ने तंग आकर कस्बे के कोतवाल को
शिकायत की कि बिल्ली की दुकान की तरफ न जा दे और मुर्गे को महंगे दामों सौदा सल बेचने से रोकें। कोतवाल यह सुनकर दुकान में चला गया। इसने मुर्गे को डंडा दिखाकर धमकाया कि आज के बाद इसने महंगे दामों सौदा सल फरोख किया तो इसे सलाखात में बंद किया जाएगा। मुर्गा यह सुनकर बड़ा परेशान हुआ। इसे अपनी तनख्वाह के अलावा वो पैसे कमाने की आदत पड़ चुकी थी। जिसने कुछ सोचकर कोतवाल को कहा कि वो इस अगर इसकी तरफ तवज्जो देना छोड़ दे और अपने काम से काम रखे तो मैं इसे मुस्तकिल पैसे देना देंगी। कोतवाल ने इसकी बात गुस्से में इजहार किया, मगर मुर्गे ने ज़बरदस्ती इसकी जेब में कुछ पैसे डाल दिए तो कोतवाल खामोशी से वापस लौट आया। इस दिन के बाद ये सिलसिला शुरू हो गया कि कोतवाल मुर्गे के साथ मिल गया और जरूरत के वक्त इससे पैसे लेने लगा। एक दिन यूं हुआ कि मुर्गा कहीं बाहर गया हुआ था और बिल्ली दुकान की ओर खा रही थी तो कोतवाल वहां आया। बिल्ली कोतवाल को देखकर इस तरफ छुप गई तो कोतवाल ने मुर्गे को वाल दी। कुछ देर तक इसने ना पाकर इसने पैसों की तिजोरी खोली और इसमें से कुछ पैसे ले और वापस लौट गया। बिल्ली जब ये सब देखकर दंग रह गई। इस जरिए तो वक्का नहीं थी कि वो कोतवाल को इस हरकत करेगा। जब मुर्गा वापस आया तो इसने इससे कोतवाल का पूछा। मुर्गे ने कहा कुछ दिन पहले कोतवाल से कुछ पैसे धार लिए थे, वो इस तरह गैर मौजूदगी में अपने पैसे ले गया होगा। मुर्गे ने अपनी तनख्वाह में से कुछ पैसे कटवा दी। बिल्ली को मुतमिन कर दिया था। कुछ दिन गुजरने के बाद मुर्गे को किसी काम के सिलसिले में के वक्त दुकान से जल्दी जाना पड़ा तो बिल्ली ने कुत्ते को कहा कि वो इसकी जगह दुकान संभाले। दुकान बंद करने कुछ देर बाद एक बूढ़ी ग्राहक आई और इसने कुछ सौदा सल खरीदा। इसने पैसे कुत्ते के हाथ में थमा दिए। कुत्ते ने जब पैसे लेकर शुमार किए तो सामान बहुत से काफ़ी ज़्यादा थे। कुत्ते ने बूढ़ी औरत से पूछा कि वो ज़्यादा पैसे क्यों दे रही है। इसने हैरियत से इसे देखा और कहा कि तुम्हें शायद सामान की कीमत सही तरह मालूम नहीं, मुर्गा हमें इसी भाव चीज़ें देता है। कुत्ता यह सुनकर खामोश हो गया और दुकान बंद करके बिल्ली के पास चला गया। कुत्ते ने बिल्ली को ये सब बताया तो बिल्ली के दुकान खड़े हो गए। बिल्ली के तो कान खड़े हो गए। इसने दुकान में आकर इसकी भरपूर तलाशी ली। कुछ देर कोशिश करने के बाद इसे काउंटर के नीचे मौजूद खुफिया खाने में से एक कागज़ मिल गया जिस पर सामान की कीमतें दर्ज थीं। ये कीमतें सामान की असल कीमतों से दोगुना थी। बिल्ली समझ गई कि